हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विश मोना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज जो ब्लॉग है वो मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ और अभी पौने ग्यारह ऐसे ही कुछ बजने वाला है। मैंने 11 बजे ही देखा तो उसके बाद ऐसे अप्रॉक्स होगा टाइम। और अभी मैं आई थी कपड़ा लेने और मैंने सोचा अभी सुबह से आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला और ब्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिला, तो सोचा कि चलो छत पे जा रही हूँ तो उधर से ही शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और रोज़ बारिश हो रही है ना, मौसम बिल्कुल मतलब कब चेंज हो जाए पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए सुबह सुबह मैंने धो दिए थे कपड़े। और ये रेगुलर के कपड़े हैं, उतना हेवी कपड़े नहीं है, थोड़ा सा कपड़े था तो मैंने सोचा सुबह ही धो देती हूँ, तो धो के ऊपर डाल दिया था। और अभी मैं लेने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मौसम जो है ना फिर से बादल छा गया। देखिए इस तरफ पूरा बादल बादल लग रहा है, यहाँ पर भी है, तो बारिश का मौसम है ना तो कब बारिश आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए सोचा कि देखिए बूंद एक दो बूंद गिर भी रहा है, हाथ पे गिरा अभी एक बूंद, तो ऐसे ही कब बारिश आ जाए ना पता नहीं चलता। और पीछे अंधेरा भी हो रखा है और कई दिन से सोच रही हूँ, मतलब 3-4 दिन लगातार मैं सोच रही थी कि बाज़ार जाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा सामान चाहिए। और राखी भी आ रही है तो मेरी बेटी 3 साल बाद अभी भाई को जो है, मतलब भाई मतलब वही ननद का लड़का जो है, दोनों को राखी बांधेगा, तो इसलिए मैं ड्रेस भी लेकर आऊँगी उसके लिए। और मुझे भी थोड़ा सा सामान चाहिए था वो भी लेकर आऊँगी, लेकिन ये मौसम की वजह से ना अभी भी नहीं निकल पाऊँगी। और बेटी भी ज़िद कर रही कि आपके साथ मैं भी जाऊँगी दुकान, तो इसलिए जाना नहीं हो रहा है। कल तो सारा दिन बारिश हुआ, परसों भी सारा दिन बारिश में ही गया, तो इसलिए आज सोच रही थी जाऊंगी, रेडी भी हो गई थी, लेकिन ये मौसम देखिए अभी शुरू हो गया, अभी गिर रहा है बारिश, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और कपड़े को फोल्ड करती हूँ, फोल्ड करके घर में रख के उसके बाद मम्मी को पूछती हूँ। और आज और ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया इसलिए थोड़ा सा टेंशन भी कम है, लेकिन वही अभी बारिश शुरू हो गया। देखिए बारिश शुरू हुआ, अच्छा हुआ मैं अभी आ गई हूँ और कपड़े भी मेरा थोड़ा सा ही था तो सूख गया है, अब बारिश आ जाए कुछ भी आ जाए। और आज बाबू का क्लास भी नहीं है इसलिए वो कर रही है ड्राइंग, क्योंकि मैंने बोला था बहुत दिन उसने ड्राइंग वॉइंग ना कुछ बिल्कुल नहीं टच किया है, तो अभी बोला आज छुट्टी है तो आज आप ड्राइंग करो। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ, अब पता नहीं मैं जब तक रहूँगी तब तक करेगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं करेगी। तो जल्दी से कपड़ा को फोल्ड करके उसके बाद नीचे चल के देखते हैं मैडम क्या कर रही है। मैंने कपड़ा जो है फोल्ड करके अलमारी में रख दिया है, अब चलिए दिखाती हूँ आपको बेटी क्या कर रही है, कौन सा ड्राइंग बना रही है। सौजन्या क्या हो रहा है? ड्राइंग हुआ, कुछ भी हुआ? इंडिया गेट बन रहा है भाई, अगर आपने इंडिया गेट नहीं देखा है तो मेरी बेटी बना रही है, देख लीजिए, इतना पास से तो आप इंडिया गेट कभी नहीं देखा होगा। चलिए दिखाती हूँ क्या ड्राइंग बना रही है। ये किसका बंदूक है? पापा का। हाँ। थोड़े टाइम में फोटो। आपने कहा कि सब मुझे हॉस्पिटल में रसगुल्ला पिलाते हैं। यस, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं दिखता था, बस आपका ये चिक जो है ना ये दिखता। और कभी कभी मेरे गाल लाल हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ना धूप से आने के, आप धूप में जाने से आपका गाल लाल हो जाता है। जब मेरा प्ले ब्रेक होता था स्कूल में तब भी हाँ। मैं जब वॉशरूम जाती हूँ आईने में देखती हूँ पूरा लाल गाल होता है। हाँ, आपको अच्छा लगता है लाल गाल? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वो ब्लश दे के करती हूँ लाल।
आपका तो नेचुरली है। हाँ चलो, आपने प्रॉमिस किया था ड्राइंग दिखाओगे आप अपना। हाँ दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी, एक एक करके दिखाऊंगी। ये क्या है, सूरज या चंदा? सूरज है, चंदा होता तो थोड़ा सा डिजाइन करना होता। अच्छा, और पूरा वाइट होता। इंडिया गेट किसने बनाया सोचो ने? इंडिया गेट मैंने। बहुत सुंदर हुआ है ऐसा, इंडिया गेट तो शायद किसी ने देखा होगा पहली बार, है तो फर्स्ट टाइम है। बहुत मेहनत किया आपने। इसका फ्लैग ना मैंने अच्छे से नहीं बनाया, फ्लैग का मैंने साइन नहीं है दिया। अच्छा, तो सब मैंने किया। और मुझे शेड, ये ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब ऐसे ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा कोशिश करके बढ़ोगे तभी आपका वो YouTube वाला बटन आएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, जो आपने देखा था अभी आंटी के घर। हाँ आंटी के घर बहुत वो, अगर आपको वो मिल गया ना, हाँ, वो मैं हर साल एक एक बार देखूंगी। अच्छा, हर डायमंड नहीं मिलेगा, डायमंड मिलेगा, ना बोलने से कुछ नहीं होता, हाँ बोलने से सब हो जाएगा। हाँ, अच्छा, वो मेरी फ्रेंड के घर गई थी ना, तो उसको सिल्वर प्ले बटन मिल गया ना, तो उसी की बात करते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा शायद कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन उसी की बात कर रही है कि उसके पास देखा है सिल्वर प्ले बटन, तो इसलिए। तो चलिए सबको बाय कर दो, चलो bye. और कुछ फाइन, थैंक यू बाय। तो चलिए अभी बहुत हो गया माँ बेटी की बातें, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। और मम्मी का थोड़ा कपड़ा है जो मम्मी सुखाने के लिए रखी थी, वो अभी डाल दूँगी। उसके बाद आज एक रेसिपी बनेगी, वो है शुक्तो, तो उसके लिए तो सारा कुछ तो है घर में, बस पपीता नहीं है। तो पपीता का पेड़ तो हमारे पीछे ही है, वहाँ से मैं तोड़ लूँगी एक पपीता। आज का जो स्पेशल डिश है वो है बंगाली का बहुत खास डिश, वो है शुक्तो। तो दो दिन से प्लानिंग हो चल रही थी कि शुक्तो बनेगा, लेकिन जो शुक्तो का जो इंग्रेडिएंट्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक एक चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए आज अल्टीमेटली सब कुछ है जो चाहिए, मेन चीज़ वो सारा कुछ है, बस पपीता नहीं था, पपीता भी तोड़ के लेकर आई थी, और ये एक नींबू लाई हूँ। तो सारा कुछ है यहाँ पर, है सब्ज़ी तो मैं कट कर लूँगी, उसके बाद मम्मी बनाएगी शुक्तो। तो चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं। परसों से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी, वही बात आपके साथ शेयर करूँगी आज। और आप बताइए, इंसान अगर आप किसी को पहली बार देख रहे हो तो आप पहले उसको किस नज़रिया से देखोगे कि वो इंसान कैसा है, उसका बातचीत कैसा है, अगर थोड़ा सा क्लोज हो तो उसकी फैमिली कैसी है, ये सभी देखोगे ना, ना कि आप पहले उसको देखोगे क्योंकि उसका जात क्या है, वो कौन से कास्ट का है, क्या टाइटल है उसका, ये तो नहीं देखोगे ना। तो इसको लेकर भी इतनी ज़्यादा बातें हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैं मम्मी को भी बोला है, मम्मी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैं प्रसाद, मेरे टाइटल में प्रसाद है, तो मैंने कभी इस बारे में डिस्कस किया ही नहीं है कि मैं बंगाली, नॉन बंगाली, मैं कौन से कास्ट का हूँ, बिहार की हूँ या मतलब बंगाली हूँ। तो पहली बात है कि आप पूरा बात पहले तो जानिए, आप किसी एक चीज़ को देख के उस पर कॉमेंट्स नहीं कर सकते। किसी को इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए, मतलब बहुत ख़राब चीज़ है, प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, ये नहीं बोलना चाहिए। कम से कम किसी के बारे में पहले जानना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में बात करना चाहिए, ऐसे ही आके फिर नहीं बताना चाहिए किसी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो। तो मैंने कुछ बुरा कहा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा आप लोग।
तो ये है हमारा शुक्तो का सब्जी। यहाँ पर है करेला, उसके बाद पपीता, सजना फली, बैंगन और कच्चा केला, और यहाँ पर है आलू। तो इतना सारा ही है। और मम्मी अभी फ्राई कर रही है बड़ी, थोड़ा सा सरसों का तेल ही इसमें यूज़ होता है। तो ये है सरसों के तेल में मम्मी बड़ी डाल दिया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और सूखा कढ़ाई में ना पहले मम्मी ने थोड़ा सा 5 फोड़न जो है उसको फ्राई करके अलग से निकाल के रख दिया है। और अभी डाल दिया है करेला, इसको हल्का सा फ्राई करके रख देंगे। उसके बाद मम्मी क्या करती है, सभी सब्जी को फ्राई कर लेती है थोड़ा थोड़ा करके, सभी जो सब्जी है ना उसको अलग अलग करके फ्राई कर लेंगी। तो चलिए कर लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी जो है सारा सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लेंगी, क्योंकि फ्राई करने में हल्का सा शैलो फ्राई करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी मैं जो मम्मी ने 5 फोड़न फ्राई करके रखा था उसको अच्छे से पीस लूँगी। और दोनों अगर साथ में हो काम करने के टाइम, मतलब सास और बहू, तो थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाता है, खाना भी अच्छे से बन जाता है, नहीं तो वही भूत की तरह अकेले अकेले काम करना पड़ता है। और सच बताओ तो मैं जब आती हूँ यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, अगर मैं सब्जी कट कर रही हूँ तो मम्मी खाना बनाएगी, अगर मैं जिस दिन बनाने का मन नहीं करता मम्मी को बोलूँगी मैं सब कुछ तैयार करके रखूँगी, मतलब मसाला इवेंट तैयार करके रखती हूँ, बट बनाना मम्मी को ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी कभी ना नहीं बोलती है, सच में ना नहीं बोलती है। और मतलब जो मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल राज़ी हो जाती है, बोले चलो ठीक है तुम सब कुछ करके रखो। तो आज भी मैं सब कुछ करके रखी थी, मम्मी बस बोल रही थी मुझे कि तुम ही बना लो, तुम भी अच्छे बनाती हो। लेकिन मन होता है ना वो मन नहीं करता एकदम, कभी कभार होता है ना कि लगता है कि कोई बस बना के दे दे सामने। सारा सब्जी जो है फ्राई हो चुका है, अभी यहाँ पर है सजना फली और बैंगन, सब कुछ फ्राई हो चुका है। अब ये होगा ट्रिक, सरसों का तेल, उसके बाद तेज पत्ता, सूखा मिर्ची और राधुनी। राधुनी को हिंदी में पता नहीं, राधुनी बोलते हैं हिंदी में, हम बहुत मतलब ख़राब है, मैं तो ख़राब हूँ तो बोलती हूँ, मैं ख़राब हूँ हिंदी में अभी सब्जी हो गया, दे दिया है मम्मी ने सब्जी, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन वही सब कुछ फ्राई करके अगर करूँ तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, सारा कुछ एक साथ में दे देती हूँ, लेकिन मम्मी ने एक एक करके फ्राई करके रख लिया है। इसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरी ननद जो है ना, दीदी भी बहुत अच्छे से शुक्तो बनाती है, है ना, मम्मी तो उधर से ही लेकर आती है शुक्तो, जब खाने का मन करता है अकेली जब रहती है मम्मी तब दीदी से ही बोलती है बनवाने के लिए, बहुत अच्छा बनवाती है दीदी, सच में दीदी का खाने मतलब हाथ में जादू है। अभी दे दिया था हल्दी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद और एक बार अच्छे से मिक्स करना है, आधा कर दीजिए, आधा अदरक दे दिया मम्मी ने, अभी ये अदरक घिस के रखा था कद्दूकस करके, आप चाहे तो जल किसे, अदरक देके तुरंत ही पानी दे दिया मम्मी ने। अब इसमें बहुत कुछ जाएगा, इसके बाद भी जब ये उबलेगा उसके बाद इसमें जाएगा दूध और जो मसाला पीस के रखा है। यहाँ पर मैं 5 फोड़न जो है ना उसको हल्का सा कढ़ाई में, सूखा कढ़ाई में भून के उसके बाद उसको पीस के रखा है सिलबट्टे में। अब इसके करेला बड़ी, सब्जी करेला बड़ी, हाँ सब कुछ गया इसके अंदर और थोड़ा सा पानी जाएगा ना। जब उबलेगा उसके बाद इसके अंदर जाएगा मसाला। और
तो सूप तो अभी मम्मी बिठा के चली गई है और ये अभी उबल रहा है थोड़ा सा, बॉयल जब हो जाएगा ना आधा बॉयल, उसके बाद मम्मी इसमें दूध डालेगी, ये मसाला डालेगी। और सूप तो अभी आधा बॉयल हो चुका है, ये अब इसमें मैं डाल दूँगी। मम्मी अभी बैठी हुई है बात, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध। अभी इसको फिर से एक बार चला लेंगे, और जो अभी थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ढकने के बाद ये पूरा पक जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट में डालेंगे घी और ये पंचफोरन। तो सब्जी मेरा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसको एक डिश में निकालने के बाद उसके ऊपर से मैं डालूंगी जो पंचफोरन मैंने पीस के रखा था वो, और उसके अंदर डालूंगी एक चम्मच घी। बस इसको अच्छे से मिक्स करके फिर रखना है और ये सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, और मुझे आप हर बार बताते हैं कि बंगाली आप, मैं जो डिश दिखाती हूँ आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कमेंट्स ना मुझे उत्साहित करता है। मैं तो चलिए आज का डिश कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे आप, मुझे पता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके पक्का देखिएगा। किचन में अगर आप एक घंटा या आधा घंटा भी रहे ना, पूरा पक जाएंगे, बॉयल आप खुद ही हो जाएंगे। अभी फ़ैन चला के टेबल फ़ैन में अभी बैठी हूँ, और आपको आवाज़ तो किसी का भी सुनाई, मेरा तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। एक तो पीछे टेबल फ़ैन चल रहा है और पापा ने अभी चलाया है बाहर का नल का, उसमें फौंच 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 फिर से आवाज़ शुरू हो गया है। अब लेकर बैठी हूँ मैं परवल, बाहर के नलके की वजह से ना मैंने सोचा आपसे बात करके कुछ भी नहीं सुनाई देगा आपको, इसलिए मैं अभी काट रही हूँ परवल। और ये ना पक गया है परवल, तो और दो दिन रहेगा ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और इसका जो बाहर का छिलका है ना वो भी नहीं निकल रहा है। तो मैं, मम्मी ने बोला है ऐसे ही फ्राई करने के लिए, तो मैं अभी साबुत काट के इसको बीच में से चीरा लगा के जैसे नमक हल्दी दे के फ्राई करते हैं ना वैसे ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ख़राब होने से अच्छा है खा लेते हैं। हाय, कौन बोलेगा? हेलो। आज छुट्टी है दोनों भाई बहन एक साथ, अब दो मिनट लगेगा इसको, आपको तो पता ही है इनके झगड़े के बारे में, फेमस झगड़ा है इन दोनों का। अब मुंडी भी हिला रही है, यस बहुत बहादुरी की बात है, बहुत बहादुरी की शान की बात है बाबू। और अभी इवनिंग का टाइम है, दोपहर दोपहर नहीं सुबह आए थे ना बाबू, सुबह 11:30 बजे आए थे। आज छुट्टी है ना ईद का, तो इसलिए ये लोग आए थे और हमने बहुत मज़े किया है ना। यस बहुत मजे किया। अभी और भी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कब खत्म होगा पता नहीं, कब होगा। भैया हमारे बड़े भैया ड्राइंग कर रहे हैं, जो जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें ही बिजी है, हैं बाबू। यस छोड़ के कुछ भी नहीं आता, बहुत बोलते हैं। अमित ओके बोले छी এখানে চুপ করে বস, আমি শুয়ে আছি। तो चलिए अभी हो गया है, वीडियो एडिट भी करना है इस वीडियो को, नहीं तो मेरा वही 8:30 बज जाएगा एडिट करते करते। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, अगर मैंने कुछ तब गलत कह दिया, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, एक बार फिर से मैं सॉरी कह रही हूँ, लेकिन मुझे भी बुरा लगा है। ये बात भी आपको समझना चाहिए कि कोई किसी को इतना भी छोटा नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।